नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है क्योंकि उनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। 21 मार्च को ईडी ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। शराब नीति मामले में आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ा खुलासा करने की बात भी उन्होंने कही है। केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए और ऐसे में उनका कहना है कि आज वो कई तथ्य कोर्ट में पेश करेंगे, रखने वाले हैं, तो काफी अहम होने वाली है सुनवाई आज की। जब अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज समाप्त हो रही है, आज खत्म हो रही है, उसके बाद एक बार फिर से उन्हें पेश किया जाएगा राहुल जमानी कोर्ट में। ईडी की रिमांड आज खत्म होने के बाद एक बार फिर से पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। नई आबकारी नीति मामले में रावत जमीनी कोर्ट में पेशी होनी है और आज 28 तारीख यानी कि आज के दिन कोर्ट में कुछ नए तथ्य रखने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से कही गई है और कुछ बड़े खुलासों की बात भी की गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इन तथ्यों में होता है और क्या नए खुलासे होते हैं। तो ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की, एक बार फिर से उन्हें रावत जमानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण आज की ये पेशी है। क्या ईडी की तरफ से और क्या अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कोर्ट में, इस वक्त बड़ी खबर ये कि आज एक बार फिर से पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है और 21 मार्च को ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। शराब नीति मामले पर आज सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे, ये उन्होंने बात कही है। उस खुलासे में क्या खास रहने वाला है, क्या वो बात कहने वाले हैं या वो कौन सा तथ्य है जो पेश करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाले के तथ्य रखेंगे कोर्ट के सामने, ये कहा जा रहा है। ऐसे सबकी नजरें एक बार फिर से रावत जमानी कोर्ट पर जा टिकी है जहां पर आज अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से पेशी होनी है। रिमांड 28 तारीख तक थी यानी आज तक थी, आज 2 बजे लगभग दोपहर में रावत जमानी कोर्ट में पेशी होगी। अरविंद केजरीवाल की पेशी पर सबकी नजर। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से ईडी रावत जमानी कोर्ट में पेश करेगी अरविंद केजरीवाल को और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ नए खुलासे और कुछ नए तथ्य कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब क्या इसमें होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, एक तरफ कोर्ट में पेशी ईडी रिमांड तो दूसरी तरफ बाहर सड़क पर सियासी संग्राम भी चल रहा है। बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आज की अरविंद केजरीवाल की, एक बार फिर से रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। रावत जमानी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और इस दौरान आज की तारीख को बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ सबूत नई आबकारी नीति मामले में, कुछ साक्ष्य उनके पास हैं जो वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। इस पर भी नजर है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सुनवाई में होगा और क्या तैयारी ईडी करके आई है। इस दौरान जो ईडी रिमांड मिली अरविंद केजरीवाल की, उसमें क्या कुछ ईडी को पता चला है। हालांकि ईडी ने मांग की थी 10 दिन की रिमांड की और, लेकिन 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली थी। आज ये दिन 28 तारीख जहां पर रिमांड खत्म हो रही है, दोपहर में लगभग पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की रावत जमीनी कोर्ट में। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज रावत जमीनी कोर्ट में पेशी होनी है। 21 मार्च को ईडी ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी की थी अरविंद केजरीवाल की और आज बड़ा खुलासा करने की बात अरविंद केजरीवाल
कह चुके हैं। देवेश कुमार जोड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी देवेश। आज ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, क्या कुछ खास, किस पर ज्यादा नजर और फोकस रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, आज जो सीएम अरविंद केजरीवाल है वो क्योंकि ईडी की रिमांड पर थे 28 मार्च तक, तो ऐसे में आज ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। शराब नीति घोटाले मामले को लेकर 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था 2 घंटे की पूछताछ के बाद। उसके अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां से 28 मार्च तक उनको ईडी की रिमांड पर भेजा गया। हालांकि उस दौरान उन्होंने जो ईडी है उन्होंने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 28 मार्च तक सीएम को ईडी की रिमांड पर भेजा गया। अब ऐसे में आज कोर्ट में पेश होने हैं क्योंकि रिमांड खत्म हो गई है। बताया ये जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद हो सकता है कि ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर उनको पहुंचेगी। हालांकि पहले से ही जो शेड्यूल है वो तय हो चुका है, जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जिस रूट से लेकर आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल को, वहां पर जो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। और एक बड़ी बात और इसमें आ गई है, क्योंकि कल सीएम अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करेंगे, शराब नीति से रिलेटेड होगा वो, क्योंकि रिमांड पर है, गिरफ्त में है ईडी की में सीएम अरविंद केजरीवाल। ऐसे में लगातार ये जिक्र हो रहा है कि मनी ट्रेल का जो पैसा है आखिर कहाँ गया, तो इसी की बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में पेश होंगे तो वो कोर्ट के अंदर ये बात रख सकते हैं कि आखिरकार जो मनी ट्रेल की जो बात है वो पैसा कहाँ गया। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी एक जिक्र कर रही है, आपने भी देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो बीजेपी को पैसा गया है उसमें शरद चंद्र रेड्डी हैं एक, जो कि शराब नीति मामले में भी आरोपी हैं, हालांकि अभी मौजूदा समय में जमानत पर हैं, सरकारी गवाह बन गए, और उन्हीं ने सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप भी लगाए गए। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बताया, साथ ही साथ किंग पिन भी इस नीति का अरविंद केजरीवाल को बता दिया गया। तो ऐसे में हो सकता है कि जो तथ्य हैं सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे तथ्य सामने रखेंगे कि जो मनी ट्रेल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है जो शरद चंद्र रेड्डी हैं उन्होंने 60 करोड़ के आसपास जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा भेजा है, और ये आरोपी भी हैं शराब नीति मामले में, तो हो सकता है कि इसी का जिक्र जो है किया जाए। हालांकि 11 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है फिर से आम आदमी पार्टी की, उसमें देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रखा जाता है। देवेश, जमानत को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, आज हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। देखिए बिल्कुल, हालांकि क्योंकि लगातार राहत नहीं मिल पा रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक को अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कोर्ट का रुख लगातार किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि पहले पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें क्या कुछ, क्या कितने दिन की रिमांड की और कोशिश करेगी ईडी, क्या कुछ और सवाल पूछना चाहती है जिनको लेकर दलीलें कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी। और ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील पेश होंगे वो किस तरह ईडी की दलीलों का विरोध करेंगे, ईडी अगर रिमांड मांगती है तो उसका किस तरह से विरोध किया जाएगा। चलिए नजर बनाए रखिएगा देवेश, आपके बाद फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।